गाइस, आज की इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 लैपटॉप के बारे में जानेंगे, जिसका मॉडल नंबर है NP750 और लैपटॉप इंटेल के 12 जनरेशन के i5 प्रोसेसर, मेटल बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर के जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जिससे आपको फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कैजुअल गेमिंग या ऑफिस बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए इसमें काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और ये मॉडल उन यूजर्स के लिए काफी कमाल की चॉइस हो सकता है जिनका बजट 55,000 तक के अराउंड है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और ये भी जानेंगे कि आप इस लैपटॉप को किस किस तरीके की वर्क के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर से। हमें इस लैपटॉप इंटेल का कोर i5 1235U प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है और एक इंटेल का 12 जनरेशन एल्डर लेक यू सीरीज का प्रोसेसर है जो लास्ट ईयर 2022 में लॉन्च हुआ था। और इसमें 0.9 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक भी देखने को मिलती है, जिसे 4.4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर टोटल 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स का रहने वाला है और इसमें 12 एमबी की L3 कैश मेमोरी प्रोवाइडेड है। और फ्रेंड्स, बता दूं, इंटेल के 12 जनरेशन के प्रोसेसर में कोर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक परफॉर्मेंस कोर्स और दूसरा एफिशिएंट कोर। और इनके कोर, थ्रेड्स एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफी डिफरेंस रहने वाला है। परफॉर्मेंस कोर्स में 2 कोर और 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज तक ही रहेगी, जबकि एफिशिएंट कोर्स में आपको 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 0.9 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.3 गीगाहर्ट्ज तक ही रहेगी, जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे, जिससे सीपीयू आपको काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और आप सैमसंग के इस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इसको 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को वेब डिजाइन या डेवलपमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप इस लैपटॉप को ब्लॉगिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग या अदर ऑफिस वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी आप इस लैपटॉप में अपने सभी तरीके के डे टू डे के टास्क फास्ट एंड इजिली कर सकेंगे विदाउट एनी लैग। और चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में। ये लैपटॉप डेडिकेटेड ग्राफिक्स के सपोर्ट के साथ नहीं आता है, आपको इसमें इंटेल IX इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है विद 4GB शेप मेमोरी, जो कैजुअल गेमिंग के लिए इंटेल का गुड इनफ GPU है, जिससे आप इसमें नॉर्मल सेटिंग्स पर GTA 5 के जैसे गेम से बड़े प्यार से खेल सकेंगे। बट स्टिल फ्रेंड्स, ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसलिए आप इसे हैवी गेमिंग करने के लिए कंसीडर मत करना। और इसके सॉफ्टवेयर में हमें यहाँ पर प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है, जो लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ आती है, जिससे आप इसमें विंडोज 11 की सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर ऑफिस और बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन भी मिलने वाला है। और इस लैपटॉप की स्टोरेज एंड रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में 512GB की NVMe M.2 Gen 3 SSD स्टोरेज ड्राइव दी गई है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर की स्पीड फास्ट हो जाती है और आपको फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस मिल पाती है। तो बता दूं, आप इस लैपटॉप स्टोरेज को भी 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और रैम में इसमें 8GB की LPDDR4X रैम प्रोवाइडेड है, जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 4267 मेगाहर्ट्ज तक की है। पर फ्रेंड्स, एक ऑनबोर्ड रैम है, जिससे आप इस लैपटॉप में रैम को रिमूव या अपग्रेड नहीं कर सकेंगे। और चलिए गाइस, सब जानते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। सैमसंग ने इस लैपटॉप में 15.6 इंच का 1080 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है और एक IPS LED पैनल है जो 215 इंच तक की पिक ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ आता है, जिससे इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस इंडोर यूज के हिसाब से काफी अच्छे रहेंगे और आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर कंटेंट स्ट्रीमिंग में काफी मजा आएगा। और बता दूं, इसके डिस्प्ले में एंटी ग्लेयर कोटिंग भी प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको इसमें ग्लोसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, आपको इसमें नॉर्मल डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, जो 50,000 से 60,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में आने वाले सभी लैपटॉप में मिलती है। और लैपटॉप के डिजाइन की बात करूं तो सैमसंग के इस लैपटॉप का डिजाइन काफी प्रीमियम सा लगता है और इसकी टॉप के लिड पर सैमसंग का लोगो दिया गया है और गैलेक्सी बुक की थिकनेस काफी कम है, ओनली 15.4 mm। और इस लैपटॉप की बिल्ट में कंप्लीट एल्यूमिनियम का यूज किया गया है, जो पूरा मैकबुक का फील देती है। और इसी के साथ बता दूं, हमें इसमें ले फ्लैट इन डिजाइन देखने को मिलता है, जिससे आप इस लैपटॉप को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकेंगे और एक ही समय पर कई लोग ले स्क्रीन देखना काफी आसान हो जाएगा। और बता दूं, इसके बैक पैनल में आगे और पीछे रबर डिस्क दी गई हैं, जिससे लैपटॉप में अच्छी ग्रिप बनी रहेगी और हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें सिंगल फैन का सेटअप भी इंक्लूडेड है। और इस लैपटॉप का वेट 1.55 kg है और एक सैमसंग का काफी थिन एंड लाइट वेटी लैपटॉप है, जिससे आपके लिए इसे कैरी करना काफी कन्वीनियंट रहेगा। और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने यहाँ पर 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम दिया है, वो भी डुअल माइक्रोफोन्स के साथ,
जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो चैट के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और स्पीकर्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स का सेटअप रहने वाला है विद डॉल्बी एटमॉस फीचर, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी कमाल की ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी और आप इसमें मल्टीमीडिया को फुल एंजॉय कर सकेंगे। और चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। हमें इस लैपटॉप में फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के किस के बीच की डिस्टेंस काफी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस और की ट्रैवल दोनों काफी शानदार है और आप इसमें काफी स्मूथली टाइपिंग कर सकेंगे। और बता दूं इसमें बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप इस लैपटॉप को लो लाइट या डार्क कंडीशंस में भी यूज कर सकेंगे। एंड प्लस गाइस इसके पावर बटन में फिंगरप्रिंट रीडर का सपोर्ट भी है, जिससे आप इसमें बिना पासवर्ड एंटर करे लैपटॉप को जस्ट वन टच में लॉगिन कर सकेंगे। और ट्रैक पैड की बात करें तो इसमें एक लास्ट साइज का ट्रैक पैड रहने वाला है, जो विंडोज 11 के सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। और ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल है और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी स्मूथ है। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में। तो हमें इस लैपटॉप में सभी तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 USB टाइप सी पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट एंड 1 USB टाइप ए पोर्ट रहने वाला है। और राइट हैंड साइड में 1 नैनो सिक्योरिटी स्लॉट, 1 USB टाइप ए पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट एंड 1 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। और इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ को शानदार बनाने के लिए कंपनी ने इसके साथ 65W का टाइप सी चार्जर दिया है। और आपको इस लैपटॉप में 4 सेल्स वाली 54W की लिथियम आयन बैटरी लगी मिलने वाली है, जिससे आपको अराउंड 4 to 5 hours तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग का लैपटॉप ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड वर्क हो, मल्टीटास्किंग हो या आपके एडिटिंग या कोडिंग के लिए काफी शानदार मॉडल है। और हमें इस लैपटॉप पे 60,000 रुपए तक की प्राइस रेंज के अंडर में काफी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है और एक IPS LED पैनल है। पर इसमें इंटेल का 12 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर दिया गया है। पर इसमें 8 GB रैम के साथ 512 GB की स्टोरेज लगी मिलती है और आप इसमें स्टोरेज को 2 TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और आपको इसमें इंटेल का RSC ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम इंक्लूडेड है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस। और इसी के साथ हमें इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर के जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप इस लैपटॉप में अपने सभी तरीके के टास्क फास्ट एंड इजिली कर सकेंगे। आप इसमें 7 to 8 hours तक बड़े प्यासे काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में सैमसंग का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूं तो अभी ये लैपटॉप अमेजोन पर 54,990 रुपीज तक की शानदार कीमत के साथ आ रहा है। और इससे पहले कि इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, आप इसे जल्दी से ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5 to 10% तक का अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस सब सीधा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।